स्टेटस ग्रुप भी एक चैनल है, वहाँ से मैथ्स टेस्ट पढ़ी जाती है। जो नहीं अपग्रेड करता तो वो वहीं रह जाता है, ताकि बीएससी के बेस पे कोई इतनी अच्छी जॉब प्रोवाइड नहीं करेगा। तो नंबर कमाते थे लेकिन रैंक अच्छी आती थी, और जब नंबर ज़्यादा आते थे तो रैंक अच्छी नहीं आती थी। तो पहली बात तो कि जो भी करना है आगे वो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में डिसाइड कर लो। ऐसा करियर चूज करो जिसमें आपकी ग्रोथ हो, सही है, सैलरी अच्छी, और फिर सर पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। चलिए निमसेट के एक नए टॉपर से मिलते हैं, प्रियांशु से, जो कि हरियाणा से हैं, और प्रियांशु की रैंक है ऑल इंडिया 245। तो सबसे पहले प्रियांशु, आपकी 245 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रियांशु, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, पहले तो मैं चाहूंगा वो आप बताएं। सर, मैंने डाटा एनालिटिक्स का कोर्स किया है। ओके। मतलब मेरा बीएससी था, बीएससी फाइनल ईयर के साथ साथ मैंने डाटा एनालिटिक्स का कोर्स किया था। मैंने वो सोच के किया था कि एट द एंड बीएससी भी कम्प्लीट हो जाएगी, कोर्स भी कम्प्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जॉब शुरू कर दूँगा। लेकिन मेरे को उसमें लगा कि नहीं, 30K 20K ये मिलेगी सैलरी, इससे क्या होगा। तो मेरे को लगा कि उसके आगे भी कुछ करना चाहिए ताकि बढ़ जाए सैलरी, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा पैकेज मिले। तो मेरे को फैमिली में है, उनसे पता चला कि इसके बाद आप या तो एमएससी कर लो या एमसीए कर लो। तो एमएससी में मेरे को जमा नहीं कि मैं करूँ एमएससी, तो मैंने एमसीए लगा मेरे को करने के लिए कि एमसीए करना चाहिए। फिर मैंने सर्च किया एमसीए क्या है, कहाँ से टॉप कॉलेजेस कौन से एमसीए के, तो पता चला कि निमसेट बेस्ट है। फिर उसके लिए मैंने देखा कि निमसेट में क्या सब पेपर आता है, रीजनिंग, मैथ्स। फिर देखा तो मैथ्स कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ अच्छी है, तो वहाँ यूट्यूब से बहुत ढूंढ ढूंढ के पता चला कि इम्पीटस गुरुकुल भी एक चैनल है, वहाँ से मैथ्स बेस्ट पढ़ी जाती है। तो आपका 23 का मैजिकल कोर्स है, तो मैंने वहाँ से मैथ्स पढ़ाया, वहाँ से पढ़ाया। उसके बाद मैंने मतलब वहाँ से पढ़ के सिर्फ टेस्ट दिए हैं, बाकी कोई फुल कोर्स तो नहीं लिया, टेस्ट सीरीज खरीदी थी। उसके अलावा रीजनिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए रीजनिंग मेरे को नहीं था कि रीजनिंग इतना हो, तो ऐसे सर मैंने प्रिपरेशन किया पूरी। अच्छा ये बताओ, आपने बहुत अच्छी बात बोली, कई बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने की कोशिश करते हैं, बहुत कॉमन है ये मैंने देखा, और कई TCS कुछ कंपनियां भी जो देती हैं तो 20-25 हज़ार का जॉब देती है। आपने सही समय पर डिसीजन लिया, पर अच्छा आप बताओ, अगर मान लो वो जॉब ज्वाइन करते 20-25 हज़ार वाला, तो आप 5 साल बाद कहाँ होते, ये जरूर बताएं, क्योंकि कई बच्चे एनालाइज नहीं कर पाते कि इसके लॉस क्या क्या है। सर एक्चुअली अभी के टाइम पे बेस्ट है कि आप अपनी स्किल अपग्रेड करते जाओ, जो नहीं अपग्रेड करता तो वो वहीं रह जाता है, 20 से ज़्यादा 30 पहुँच पाएगा या फिर 35, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर स्किल अपग्रेड करते हैं तो वो 20 का एक 20 भी हो सकता है, 2 20 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं, लिमिट नहीं, लिमिट नहीं। और सबसे खास बात यह कि इसमें ग्रोथ बहुत आई है, इधर ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसीलिए सर मैंने ये सोचा कि बीएससी के बेस पे कोई इतनी अच्छी जॉब प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए सर मैंने एमसीए के लिए सोचा, और फिर यहाँ पे सर आपसे पढ़ाई। तो जब आप पेपर दे रहे थे तो क्या थॉट थे आपके अंदर? सर पेपर देते वक्त एक्चुअली मैं जब सेंटर पहुंचा ना, तो वहाँ पे मुझे एक टीचर मिले थे, वो ऐसे ही टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब ऐसे बात करने लग गए मुझसे, थोड़ा सा मन हल्का हुआ, मतलब थोड़ा सा कूलनेस आई कि ठीक है चलो हो जाएगा पेपर, इतना वो नहीं है। और जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता था कि अगर पेपर हार्ड आएगा तो मेरी रैंक और अच्छी आएगी, क्योंकि पेपर हार्ड आने के बाद थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। जी सर, तो कॉम्पिटिशन कम होने की वजह से मेरे को लगता था कि मेरी रैंक अच्छी आएगी, तो ऐसा ही हुआ। इस बार पेपर थोड़ा हार्ड था तो रैंक अच्छे, उसका फायदा मिल गया। यस सर, मेरे को फायदा मिल गया, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट देता था ना, तो नंबर कमाते थे लेकिन रैंक अच्छी आती थी, और जब नंबर ज़्यादा आते थे तो रैंक अच्छी नहीं आती थी। तो जब सर मेरे को यही था कि पेपर हार्ड होगा तो मेरे फेवर में हो जाएगा, तो सर थोड़ा पेपर हार्ड था लेकिन ठीक है, मेरे फेवर में था। अच्छा आप अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत बच्चों के दिमाग में होता है ग्रेजुएशन के साथ जॉब करने का, इसलिए मैं चाहूँगा आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे? सर पहली बात तो कि जो भी करना है आगे वो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में डिसाइड कर लो, ठीक है। बाई चांस आप नहीं डिसाइड कर पाते हो, थर्ड ईयर चला जाता है आपका, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर चला जाता है, बाद में आपको पता चलता है, तब भी आप कोशिश करो कि जॉब साइड ना जाके आप ऐसा करियर चूज करो जिसमें आपकी ग्रोथ हो। अगर ग्रोथ वाला करियर नहीं चूज करेंगे तो सर उसमें फिर भैया आप एक टाइम पे आगे स्टॉप हो जाओगे, एक पॉइंट पे आगे रुक जाओगे 50 के बस, उससे ऊपर, लेकिन आगे आने वाले टाइम में सर 50 के इज नथिंग, थोड़ा सा चाहिए सैलरी अच्छी, और फिर सर पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है।
अच्छा, आपने आज इंटायर डे अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा आज अवार्ड, और क्या क्या कई चीज़ें सीखी होंगी, तो आप अपने एक्सपीरियंस बताओ। सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम था मेरा ऐसा कोई अवार्ड मिलना, मेरे को इतनी बड़ी ज़्यादा लाइफ जा चुकी कि फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत अच्छी सेरेमनी थी। सबसे अच्छा तो मेरे को शुभम शुक्ला सर है ना, सौरभ शुक्ला सर, सौरभ शुक्ला सर, उनका अच्छा लगा मेरे को। बिल्कुल ऐसा लगा कि वो सर बिल्कुल मेरी स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने भी 12th के बाद कोई गाइडेंस नहीं थी, बीएससी कर ली, बीएससी के बाद कोई गाइडेंस नहीं थी, चलो एमसीए कर लेते हैं। मैंने भी सेम ऐसे ही किया है, और मैं चाहूँगा सर से कॉन्टैक्ट नंबर लूँ आपसे सर का, बिल्कुल बिल्कुल सर से बातचीत रखूँ बिल्कुल पूरी। तो मेरे को सबसे बेस्ट वही लगा, बिल्कुल अपनी लाइफ लगी मेरे को सर में दिखी बिल्कुल। और बाकी सर ऐसा फंक्शन मैंने पहली बार अटेंड किया है खुद के लिए, और सर पेरेंट्स नहीं आ पाए उसका मेरे को दुख है। आज थोड़ा आ जाते तो उनको भी प्राउड उनको भी फीलिंग प्राउड होता। फील होता है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रियांशु, अब आगे ऐसे ही आप और ग्रो करो, एनआईटी में जाके भी ग्रो करो, जो आपने आज कंप्रोमाइज नहीं किया, आप देखना इसके रिजल्ट आपको 5-10 साल बाद पता चलेंगे। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटा।